फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ से, जिसमें टेस्ट आएगा बिल्कुल बेसन के मिल्क केक जैसा। बगैर तिल के मकर संक्रांति और लोहड़ी दोनों त्योहार अधूरे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई में सुनीति सरकार में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मकर संक्रांति में तिल की कोई ना कोई चीज जरूर बनती है, चाहे आप लड्डू बनाएं, चाहे तिल पट्टी बनाएं या तिल गजक बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी तिल गुड़ मेवा की एकदम डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें कोई भी झंझट नहीं है। कम मेहनत में लाजवाब सी तीन टेस्ट वाली मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप एक बार खाएंगे और बार बार खाने का आपका मन करेगा। ये लाजवाब सी गजक मुंह में रखते ही खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब देर नहीं करते हैं और लाजवाब सी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम सफेद तिल लिए हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये तिल होते हैं और शरीर को बहुत ही ज्यादा गर्मी भी देते हैं। तिल के साथ साथ हमने 120 ग्राम मखाने लिए हैं, ये मखाने भी इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम तिल को फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें सारे तिल को पलट दिया है और धीमी आंच पर हमें तिल को भूनना है, रोस्ट करना है, क्योंकि तिल को तेज आंच में अगर हम रोस्ट करेंगे ना तो तिल जल जाएंगे और कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा, मिठाई पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए सिम गैस पर ही इसे रोस्ट करना है। तिल को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें चटकने की आवाज ना आने लगे और हल्का सा इसका कलर डाउन ना हो जाए, क्योंकि ये व्हाइट कलर के हैं तो हल्का सा इसका कलर जैसे ही चेंज होगा हम तिल को भूनना बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, आपसे बातें करते करते तिल एकदम बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं और तिल का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो गैस की फ्लेम बंद करके हम तिल को निकाल लेते हैं प्लेट में वापस, फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ा देंगे और जो हमने मखाने लिए हैं उन मखानों को हमें इस पे रोस्ट करना है। चाहे तो आप आधा चम्मच घी डाल लें उसके बाद इन मखानों को रोस्ट करें, और नहीं तो इसी तरह से मीडियम गैस पर मखाने को चलाते हुए रोस्ट कर लें। बीच में आप एक मखाने को उठाएं और दोनों उंगली से दबाएं, अगर क्रिस्पी से टूट जाता है तो मखाना भुन गया है, लेकिन अभी हमने इसको दबाया है तो मखाना बराबर से नहीं टूटा, इसलिए इसको हम अभी और रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने सिम कर दिया है, तब तक कि तिल को हम ग्राइंड कर लेते हैं क्योंकि तिल ठंडा हो जाएगा। तिल को आज हम गरम गरम ही ग्राइंड करना है। तो 1.5 टेबल स्पून हमने समूचा तिल निकाल लिया है और बाकी के तिल को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तिल को हमने ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही बढ़िया सा ये देखिए तिल ग्राइंड हो गया है। ऑयली सा हमें पेस्ट चाहिए था, हमें बिल्कुल भी ड्राई सा नहीं चाहिए था, इसलिए तिल को गरम गरम ही हमें ग्राइंड करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें तिल को गरम ही पीसना है, तो इसे बिल्कुल भी ठंडा ना करें। तो तिल अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल पाउडर को हमने प्लेट में निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए तिल को भी हमें इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है बारीक सा। ये देखिए, वो भी पाउडर बनकर तैयार हो गया है, तो इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, तिल का पाउडर भी तैयार हो गया है बनकर और मखाने का पाउडर भी हमने बनाकर तैयार कर लिया। ये तिल पाउडर है और ये मखाने का पाउडर है, ये भी हमें बारीक पीसना है। जब मखाना हाथों से चूर चूर एकदम टूट जाए तभी हमें मखाने को पीसना है। तो गैस ऑन करके हमने फिर से वही कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें 1 टेबल स्पून हमने घी डाला है, देसी घी, और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू और बादाम, इसको हमें रोस्ट करना है। 15-20 हमने बादाम लिए हैं और 8-10 हमने ये काजू लिए हैं, इनको हमें रोस्ट करना है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी रोस्ट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में इसको लेकर इसका भी एक पाउडर बना लेंगे। दरबरा सा नहीं बनाना है, बारीक सा इसका भी पाउडर बनाना है, जिस तरह से हमने तिल का और मखाने का पाउडर तैयार किया है। तो ये लीजिए, काजू बादाम इसका तैयार हो गया है। तो ये अभी उतना बारीक नहीं हुआ है जितना हमें बारीक चाहिए, तो इसे अभी हमें और ग्राइंड करना है। तो ये लीजिए, ड्राई फ्रूट्स पीसकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही बारीक सा ये पाउडर तैयार हुआ है।
तो इसी तरह का हमें बारीक पाउडर चाहिए। तो ये देखिए, हम आपको हाथों से भी दिखाते हैं कितना बारीक है, ये बिल्कुल भी दरबरा सा नहीं है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काजू बादाम का पाउडर और ये तिल का पाउडर, ये मखाने का पाउडर, तीनों पाउडर बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये हमने गुड़ लिया है, ये देसी गुड़ है। इस रेसिपी में देसी गुड़ इस्तेमाल करें क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब गुड़ को चाकू की मदद से बारीक काट लेते हैं, इससे रेसिपी बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। गुड़ हमने यहाँ पर तीन भेलिया ली हैं। अगर इस नाप से आप नहीं नापना चाहते हैं तो आप चाहें तो जैसे हमने 250 ग्राम सफेद तिल लिए हैं तो 250 ग्राम आप गुड़ ले लें, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा तैयार होगा, ना ज्यादा होगा ना मीठा कम होगा। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार बनाकर तो देखिए, यकीन मानिए आज तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा और ना ही कहीं देखा होगा। बहुत ही लाजवाब, मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और ये तिल और गुड़ की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, इसे आप ट्राई जरूर करें, बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए, गुड़ बिल्कुल बारीक सा हमने काट लिया है। तो गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड या डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी अगर यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से पिघल गया है। तो जो हमने गुड़ को काट के रखा है, चॉप करके रखा है, उसको कढ़ाई में पलट देंगे और गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। सिम गैस पर स्पैचुला से गुड़ को बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद किसी को भी आप खिला कर देखें, यकीन मानिए वो आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाला है क्योंकि ये रेसिपी आज से पहले कभी खाई ही नहीं होगी। गुड़ को सिर्फ हमें गलाना है, बिल्कुल भी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है और ना ही हमें इसे चेक करना है कटोरी में पानी लेकर। बस इसके गलने तक हमें इंतजार करना है, इसलिए गैस की फ्लेम को सिम रखें और जैसे ही गुड़ पिघल जाए बस तैयार हो जाएंगे रेसिपी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, गुड़ को आप जितना बारीक काट लेंगे, गुड़ गलाने में उतना ही कम समय लगेगा और स्पैचुला से दबाते हुए गुड़ को बारीक करते जाएं, इससे गुड़ गलाने में बहुत ही कम समय लगेगा। हमें 2 से 2.5 मिनट लग गए हैं गुड़ को गलाने में, वो भी सिम गैस पर। तो अब ये देखिए, गुड़ पूरी तरह से गल गया है, बिल्कुल भी गुड़ की कोई भी गांठें नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2-4 इलायचियों को हमने दरबरा सा कूट लिया है, उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, अगर डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो 4-5 इलायचियों को डाल दिया है और गैस की फ्लेम एकदम सिम है और इसी में जो हमने पाउडर पीस के रखे हैं, सारे पाउडर हमें इस समय मिक्स करना है, वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और गुड़ में इसको चलाते हुए, स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें गांठे ना पड़ने पाए। अगर सारा पाउडर एक साथ डाल देंगे तो मिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पाउडर डालते जाएं और गुड़ में जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़ने पाए। तो फ्रेंड्स, पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है गुड़ में और अब बाकी का बचा हुआ भी पाउडर हम इसमें डाल देंगे और पाउडर को डालने के बाद इसको भी अच्छे से उसी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें, गुड़ और पाउडर, अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये तिल गुड़ की मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इस मकर संक्रांति और लोहड़ी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। 2 टेबल स्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और उसको भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये लीजिए, मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। जिस भी बर्तन में हमें मिठाई को जमाना है उसको पहले से ही रेडी कर लें। हमने कांच की एक ट्रे है उसको रेडी किया है और उसमें फॉइल पेपर बिछा दिया है। फॉइल पेपर में हमने घी नहीं लगाया है, आप चाहें तो इसकी जगह बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉइल पेपर बिछाने के बाद जो हमने सीड्स रखे थे सफ़ेद तिल के, वो हमने डाल दिए हैं और उसको डालने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसको हम इसी में पलट देंगे
और इसको पलटने के बाद स्पैचुला से या हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिठाई की शेप में सेट कर लेंगे। इस पेस्ट को हमने अच्छे से बराबर कर लिया है, ना बहुत मोटे पीस चाहिए ना ही बहुत पतले पीस चाहिए, उसी हिसाब से हमने इसको सेट किया है। तो ये लीजिए मिठाई तो अच्छे से सेट हो गई। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू पिस्ता और बादाम के कतरन को। तो हमने बादाम को लंबे पीसेस में काटा है और काजू को थोड़े छोटे टुकड़ों में काटा है। आप चाहे तो इस मिठाई को ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और चाहे तो आप ड्राई फ्रूट स्किप कर दें और इसकी जगह पे आप सिर्फ सफेद तिल से ही मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप इस मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। तो ये लो भाई, मिठाई तो बहुत ही बढ़िया से गार्निश हो गई है। तो इस स्पैचुला से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को, ताकि ये खाते समय गिरने ना पाए। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई बनकर रेडी हुई है। और आप इसको किसी भी त्योहार पे बनाकर रेडी कर सकते हैं और जिसे भी खिलाएंगे वो बहुत ही ज्यादा आपकी तारीफ करने वाला है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी से मिठाई बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अब इसमें कट के निशान भी तुरंत ही लगा लें, नहीं तो बाद में कट लगाने में आसानी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये जम जाएगी तो पीस अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इसलिए अगर आपको बराबर से पीस चाहिए, बिल्कुल मिठाई जैसे पीस चाहिए, तो इसको उसी समय कट लगाना जरूरी है। तो आप इसमें मन चाहे अंदाज में या मन चाहे पीस इसके कट कर सकते हैं। आप चाहे तो मिल्क केक जैसे ही पीस लंबे में कट कर सकते हैं, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। थोड़े से हमने इस तरह के पीस कट किए हैं और थोड़े से बिल्कुल मिठाई की तरह, जिस तरह होती है मिठाई उस तरह से चौकोर पीस की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ की कटिंग हो गई है तो दूसरी तरफ की भी हमने कटिंग कर दी है। तो ये लीजिए, लग रही है ना मिठाई एकदम लाजवाब सी, देखने में जितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको पीस को पास से भी करके दिखा रहे हैं। देखिए कितनी लेयरें दिख रही हैं, बहुत ही ज्यादा ये क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई बनकर ये तैयार हुई है। तो अब हम इसे तोड़कर भी दिखाते हैं कि सॉफ्टनेस में ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पीस टूट रहा है और मुंह में जाते ही ये खुल जाता है, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनी है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आ गया ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। वाओ, इसी तरह से तिल और गुड़ की और भी हमने रेसिपीज डाली है, जैसे तिल गुड़ मखाना किस तरह से बना सकते हैं और मावा रोल किस तरह से बना सकते हैं, उसकी अगर आप रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ऊपर पॉपअप आता है, उस पर क्लिक करके आप उन रेसिपीज को देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरे दिन सुबह ये देखिए कितना बढ़िया अच्छे से क्रिस्पी से ये पीस अलग हुए हैं। इसीलिए इसमें कट लगाना पहले से जरूरी होता, क्योंकि बाद में कट लगाने में परेशानी होगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई लाजवाब सी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते